हमारा विंडोज अक्सर स्लो हो जाते हैं कुछ दिन यूज करने के बाद। इसके कारण है विंडोज पे दिन जमा होते चला कैचेस, टेम्पररी एंड जंक फाइल्स, जिसको हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना होता है ताकि विंडोज की परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल पर रखा जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले विंडोज प्लस आर की प्रेस करते हुए रन विंडो को ओपन कर लीजिए। फर्स्ट टाइप प्रीफिच एंड हिट एंटर, देन कंटिन्यू। उसके बाद सबको सिलेक्ट करते हुए डिलीट कर देना है। हो सकता है कुछ फाइल डिलीट ना हो तो आप स्किप करते हुए आगे बढ़ जाइए। अगेन विंडोज प्लस आर की प्रेस करते हुए रन विंडो पे जाना है एंड टाइप करना है रिसेंट एंड हिट एंटर। मेरे केस में यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, अगर आपके पीसी में है तो आप सबको सिलेक्ट करते हुए डिलीट कर दीजिए। फिलहाल मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। अगेन रन विंडो पे जाना है एंड दिस टाइम टाइप Temp and hit enter, continue, select all and delete all the files, skip, again go to run, type percentage temp percentage and hit enter, select all the files and delete it। अब कुछ advanced process देख लेते हैं। उसके लिए disk cleanup को सर्च करते हुए open कर लेना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से बोर्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर सारा प्रोग्राम फाइल्स हो। मेरे केस में सी ड्राइव है तो मैं सी ड्राइव को चूज करते हुए ओके पे क्लिक कर देता हूँ और इस विंडो से सारे बॉक्स को टिक करते हुए ओके पे क्लिक कर देना है एंड डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। बेसिकली ये सारी फाइल जंक फाइल है जिसकी कोई जरूरत नहीं है आपके सिस्टम पे, तो आप निश्चिंत होकर इसको क्लियर कर सकते हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग सकते हैं, तो आप वेट कर लीजिए। नेक्स्ट जाना है इंटरनेट ऑप्शन पे और इस विंडो पे जनरल टैब में से डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है। अब फर्स्ट पांचों बॉक्स को टिक करते हुए डिलीट पे क्लिक कर देना है। एंड अप्लाई देन ओके। आखिरी स्टेप गो टू स्टार्ट एंड क्लिक ऑन सेटिंग्स, देन सिस्टम और यहाँ से स्टोरेज और यहाँ से स्टोरेज सेंस के अंदर जो बटन है इसे ऑन कर देना है एंड फाइनली फ्री अप स्पेस नाउ एंड यहाँ से रिमूव फाइल पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही। अब ये सब प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कितनी फर्क आई आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चाहे तो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाके भी बता सकते हैं और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।